नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट राजनीति विज्ञान का बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र है। अब आपको अपना मूल्यांकन करना है, आपका टेस्ट लगाना है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो नेक्स्ट प्रश्नों की ओर अपन चलते हैं। खंड ए में सबसे पहले देखेंगे अपन प्रश्न संख्या, जहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न प्रत्येक प्रश्न है वो एक अंक का होगा। आपको साथ साथ टेस्ट लगाना है। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था? 15 गणराज्य। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस कुटनाम से इराक पर सैन्य आक्रमण किया था, उसका क्या नाम था? तो ये था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। आसियान क्षेत्रीय संगठन या मंच ARF जिसकी स्थापना हुई वो साल कौन सी थी? 1994। फरक्का जल संधि किन देशों के बीच हुई? तो ये भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधि। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193। लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस संस्था ने प्रकाशित की? तो ये क्लब ऑफ रोम ने प्रकाशित की थी। विश्व की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है? वायुमंडल बिल्कुल है, समुद्री सतह ये भी है, बाहरी अंतरिक्ष ये भी है, तो सड़क मार्ग नहीं है क्योंकि नहीं पे जोर दिया गया है। भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में शुरू की गई थी और 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? 1991। नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को कितनी गोलियां मारी? बड़ी नज़दीक से नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की 3 गोलियां मारी थी। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। सर्वप्रथम कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? हम बहुत कम समय में ये टेस्ट लगा रहे हैं, आप इनमें से कितने परसेंट सही कर रहे हो या आप देखते जाएं, मूल्यांकन करते जाएं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जम्मू और कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370। वर्तमान में इसे निष्क्रिय कर दिया गया है। अगस्त 2019 से BAMSEF का गठन कब हुआ था? 1978 में। BAMSEF किस संगठन के स्थान पर उसकी क्षतिपूर्ति या कहें कि रिक्त स्थान को भरने के लिए आया था, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखें इसको कि BAMSEF किसके स्थान पे बना था या किसका उत्तराधिकारी उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन भी 1 मार्क्स का है, रिक्त स्थान वाले अपने पर्सन है। 1984 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की थी? तो ये मिखाइल गर्बाचोव थे। डरबन कहाँ का शहर है? दक्षिणी अफ्रीका का। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बतानी है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। पोस्को प्लांट कहाँ है? उड़ीसा में है। PRI के शासन को क्या कहा जाता है? तो ये परिपूर्ण तानाशाही, ये किस चैप्टर का है? सेकंड वाले चैप्टर का, अपना स्वतंत्र भारत में राजनीति सेकेंड चैप्टर है उसका है परिपूर्ण तानाशाही। PRI कहाँ की पार्टी थी और किस इस पार्टी से कांग्रेस का तुलनात्मक अध्ययन हमने दूसरे चैप्टर में किया है, तो आप ये लिखोगे कि PRI कहाँ की पार्टी थी और इसके शासन को परिपूर्ण तानाशाही क्यों कहा गया, इसका शासन कांग्रेस से किस तरीके से अलग था, ये भी आप करेंगे। भारत में नई आर्थिक की नीति की शुरुआत कब हुई? 1991। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? द्विराष्ट्र सिद्धांत। भारत भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कब और किस राज्य का निर्माण किया गया? तो आंध्र प्रदेश था। दिसंबर 1952 में घोषणा की। बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण। संसद मार्च भी जयप्रकाश नारायण ने किया था 1974 में। रेल हड़ताल कब हुई? 1974 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जॉर्ज फर्नांडिस। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी और ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। इसके किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। महत्वपूर्ण भूमिकाएं महिलाएं निभा रही थी। ये एक पर्यावरणवादी आंदोलन भी था। नेक्स्ट NNF का पूरा नाम क्या था?
तो एनएनएफ का पूरा नाम है वह नेशनल फिश वर्कर्स संगठन, मछली पकड़ने वाले जो मजदूर होते हैं उनकी समस्याओं से संबंधित ये संगठन बना हुआ है। और इसका एक आंदोलन हमने इस पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था, जन आंदोलन वाले चैप्टर में, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है, तो वो कौन सा संविधान का संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जिसकी द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण कंपलसरी कर दिया गया स्थानीय राजनीतिक स्वशासन की निकायों में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 खंड ब में अपने 2 मार्क्स के प्रश्न होंगे। बाल्टिक गणराज्य के नाम, बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, तो ये मैंने आपको बड़े ही सरल तरीके से समझाया है, लाटविया राज्यों में, लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, लाल। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था, इराक से कुवैत को मुक्त कराने के लिए कब चलाया गया था, 2003 में, इराकी फ्रीडम। विश्व बैंक का मुख्य कार्य, विश्व बैंक जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 में अस्तित्व में आया था, 1944 में दो संस्थाओं का निर्माण हुआ था, दो संस्थाएं बनी थी, ब्रेटन वुड सम्मेलन में एक IMF और एक बनी थी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का पूछ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का क्या कार्य है विश्व बैंक का, तो विश्व बैंक की जो महत्वपूर्ण गतिविधि हैं वो विकासशील देशों से संबंधित है, जैसे कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, या फिर उन देशों का डेवलपमेंट करना, उनमें सुशासन की संस्थाओं की स्थापना करना, उनको वित्तीय सहयोग देना। UNEP का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण से संबंधित कार्य करने वाली प्रमुख संस्था UNEP है। स्वतंत्र पार्टी के 4 नेताओं के नाम, इसमें प्रमुख नाम सी राजगोपालाचारी, KM मुंशी और NG रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेसी नेता शामिल थे। किस पार्टी में, स्वतंत्र पार्टी में, सी राजगोपालाचारी, मीनू मसानी और ये जो NG रंगा और KM मुंशी, ये प्रमुख जो कि पुराने कांग्रेसी नेता ही थे। स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। जनसंघ किस विचार पे जोर देता है, जनसंघ एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र पे जोर देने वाली प्रमुख पार्टी, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और किसके द्वारा चलाया गया, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत सरकार द्वारा कब चलाया गया, 1984 में चलाया गया था। और इससे जो अपने सिख संप्रदाय था उसकी भावनाएं आहत हुई, और जिसका जो खामियाजा था वो इंदिरा गांधी को हमने खोके चुकाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि पंजाब के अमृतसर में जो आतंकवादी छुपे हुए थे उनको मार गिराने के लिए सेना का एक कुट नाम से ऑपरेशन चला था, उसका नाम रखा गया था ब्लू स्टार। आसियान के सदस्य देशों के नाम कौन कौन से हैं, तो इम्फी सिंगो 5 इसके मूल सदस्य थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, 10 सदस्य देश हैं इसके। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान किन देशों का ग्रुप है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का एक संगठन है, सहयोग संगठन है। साफ्टा क्या है, सार्क का फ्री ट्रेड से संबंधित एक संगठन बना हुआ है। अब सुमेलित कीजिए प्रश्न है, चरण सिंह का संबंध किससे है, चरण सिंह एक किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे। PC मोहलनविस ने उद्योगों से संबंधित, उद्योगीकरण पर जोर दिया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं PC मोहलनविस। वर्गीज कुरियन सहकारी डेयरी से संबंधित हैं ये। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो राम मनोहर लोहिया एक प्रमुख समाजवादी नेता थे और इनका मानना था कि जो कांग्रेस और अपनी जो साम्यवादी पार्टी
या कहें कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से ही अलग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जोर देते थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या से है, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीति में आपराधिक गतिविधियां घुस जाएं या अपराधी लोग ज़्यादा चुनकर आ जाएं, सिलेक्ट होकर आ जाएं, तो उसे राजनीतिक अपराध बढ़ेगा, तो उसे कहते हैं राजनीतिक अपराधीकरण। नेक्स्ट अपना खंड होगा वो दय होगा। प्रश्नों की संख्या इसमें 26 से 28 कुल मार्क्स 3% होंगे, 6 अंक के। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य, या फिर आप ये कर सकते हैं शीत युद्ध के किन्हीं 4 प्रमुख लक्षणों को लिखिए। निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? आधुनिक युग में इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं, निशस्त्रीकरण शस्त्रों की को घटा देना या उन पर नियंत्रण स्थापित करना, आधुनिक युग में संभव क्यों नहीं हो रहा, इसकी आवश्यकता तो महसूस की है लेकिन फिर भी संभव नहीं हो रहा, इसके मार्ग में बाधाएं हैं। तो बाधाएं तो जो बड़ी शक्तियां, जो बड़ी महाशक्तियां हैं उनको आपस में संदेह है कि कहीं अपने हथियार कम नहीं हो, तो वो एक दूसरे पे शक और संदेह करते हैं। इस प्रश्न को मैंने मॉडल पेपर में बहुत ही सरल तरीके से आपको ये करवाया हुआ है। शीत युद्ध से संबंधित भी सभी पॉइंट क्लियर करवाए हुए हैं, सरल और सहज तरीके से समझाया हुआ है। आप इसमें कितने स्कोर कर रहे हो, आपका जो वीक पॉइंट है वो कौन सा है, उसे नोट करते जाएं और उस पर अभी आपके पास टाइम है, आप एग्जाम से पहले कंठस्थ कर ले और 80 में से 80 मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये मैंने मॉडल पेपर जैसे ही हल करवाए हैं उनमें किस तरीके से आपको पॉइंट लिखना है, स्टार बनाना है अपनी कॉपी को। कला क्षेत्र की जो सब्जेक्ट होते हैं, कला में जितना आप कॉपी को डेकोरेट करोगे एग्जामिनर का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा और अच्छे नंबर देने के लिए आप उनको बाध्य करते हो। भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन से हैं? भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटकों में बहुत सरल है ये प्रश्न और आप अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त कर सकते हो। तो भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटकों को, एक तो सैन्य क्षमता को हम मजबूत करें, हमारे बॉर्डर की जो क्षमता है सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक उपलब्ध कराएं ताकि हमारी सीमा सुरक्षित रहे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय नियम और संस्थाओं को मजबूत करें, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को मजबूत करें। तीसरा जो घटक है अपना वो है कि इससे निपटने के लिए, आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए भी हम तैयारी रखें और अपना आर्थिक विकास की रणनीति भी तय करें। ये हमारे सुरक्षा के घटक हैं ताकि हम भारत को और अधिक मजबूत बना सकें। भारत की विदेश नीति के प्रमुख घटक या भारत की विदेश नीति के कौन कौन से सिद्धांत हैं वो भी आप कर सकते हो कि भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाली नीति है, गुटनिरपेक्षता वाली नीति है, हमने किसी भी सैनिक गुट को ज्वाइन नहीं किया। ये जो अपनी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, पंचशील के सिद्धांत, इन सब का प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गुट निरपेक्षता की नीति हमने अपनाई हुई है। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत की विदेश नीति मित्रता और सहयोग वाली नीति है, हमने कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया और ना हम आक्रमण बर्दाश्त कर पाए। तो हमने जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें हमारी सेना ने 1962 का युद्ध, जो कि चीन ने धोखे से किया, बाकी किसी में भी हमारी सेना ने पीछे पीछे कदम नहीं हटाए अपने, यानी मुंह तोड़ जवाब दिया दूसरे देशों को। निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पंचशील का समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। पांचशील यानी 5 आचरण के सिद्धांत तय किए गए थे लेकिन चीन उस पर कायम नहीं रहा और हिंदी चीनी भाई भाई नारे दिए जा रहे थे। उस समय दलाई लामा भारत में आए और जिसे चीन बौखला गया। तो सीमा विवाद से संबंधित और दलाई लामा से संबंधित जो विवाद के उस समय मुद्दे थे और 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया धोखे से। भारत की नवीन परमाणु नीति मसौदा क्या है? भारत ने अपनी परमाणु नीति 2003 में और अधिक क्लियर कर दी है क्योंकि 1974 में पहला परमाणु परीक्षण, 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, 2 परमाणु परीक्षण किए, लेकिन 1998 के बाद भारत का विरोध हुआ परमाणु परीक्षण का,
तो भारत ने क्लियर कर दिया कि हमारी जो परमाणु ऊर्जा है उसका हम किसी भी देश पर पहले हमले के रूप में यूज नहीं करेंगे। हम अपने जो ऊर्जा जरूरतें हैं शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपनी परमाणु नीति का हम उपयोग करेंगे और हमारी जो परमाणु ऊर्जा है उसका हम विकास में प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से अपने ये जो मॉडल पेपर था उसको हल किया। आप इसमें कितना स्कोर कर रहे हो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने ध्यान से सुना है तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्ज़ाम से पहले इसको क्लियर कर लेंगे और 80 में से 80 बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी पढ़ें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।